So guys, again, hi, welcome back to my YouTube channel, Nisha Nandini Fraternity. And आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना. सो मैं वाल्मीकि आश्रम से चेकआउट करके पतंजलि वेलनेस में आ चुकी हूँ. एंड ये रहा पतंजलि वेलनेस का फ्रंट गेट, और इससे मैं एंट्री लेके सीधे अंदर गई. अंदर जाने के बाद मैंने साइड में अपना सामान रखा, जो कि आपको खुद ब खुद अंदर जाओगे ना तो पता चल जाएगा. ये जस्ट सामने आपको रिसेप्शन दिखेगा, वहां से आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हो. एंड दे आर वेरी पोलाइट. कुछ लोग मुझे डिसग्रेस लगे, बट इट्स ओके. फिर मुझे यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिला कि आप ऊपर में चले जाओ, बिकॉज न्यू जितनी भी ओपीडीज को देखा जा रहा था वो ऊपर स्टेयर से ऊपर जाने के लिए बताया जा रहा था. तो वहां पे मैं पहुंच गई. वहां पहुंचने के बाद है आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मैं ऑन टाइम थी. मीन्स 7:30 to 8 o'clock मैं वहां पे पहुंच चुकी थी, और आप देख सकते हो कि कोई भी नहीं आया था. 9 बजे तक काफी क्राउड हो गया था, और मेरा दूसरा नंबर था. अगर आप वही टाइम पे नहीं रहोगे ना तो आपकी हो सकता है शाम को जो थेरेपीज लिखी जाए तो वो सारी छूट सकती है, इसलिए बी ऑन टाइम. तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे थी, आप देख सकते हो. मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी. 9 बजे वैसे स्टाफिंग शुरू होती है, सर्विस शुरू होती है, बट आपको पहले आना है ताकि आपका नंबर लग पाए. तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी. देन उसके बाद आप देख सकते हो इधर जो मेरे लेफ्ट साइड में मैं ये दिखा रही हूँ, ये पूरा मेन ओपीडी है. यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आप किस रूम नंबर में जाओ, किस डॉक्टर के पास जाओ. तो मैं तो नॉर्मली बॉडी डिटॉक्स के लिए आई थी, नॉर्मल बॉडी डिटॉक्स के लिए आई थी, कुछ भी, बस यहाँ की चीजों को मैं समझना चाहती थी. फिर मुझे परमिशन मिला कि आप कितने दिन रहना चाहते हो. उन्होंने जस्ट मुझसे आस्क ही किया, बिकॉज मुझे कुछ हो नहीं रखा था. तो मैंने कहा मैं नॉर्मली 7 डेज यहाँ रहना चाहती हूँ. तो मुझे ये कूपन मिला. फिर मुझे रूम नंबर मिला कि किस डॉक्टर से मैं मिलना चाहूंगी. तो बॉडी से रिलेटेड मैंने डॉक्टर चूज किया, स्किन से रिलेटेड. तो मिस मानसी के पास मुझे जाने को मिला. फिर डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे कुछ इस तरह का कार्ड मिला. मे बी आपको प्रिंटेड कार्ड मिले, मुझे ये कार्ड मिला बिकॉज कंप्यूटर वर्किंग में नहीं था. फिर उसके बाद मुझे मेंशन किया गया कि आपको किट लेना है. किट लेना है, इस किट में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो कि 1700 to 2000 पड़ा मुझे. एंड मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इसमें, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या मिला. और आप देख सकते हो मेरे डाइट कार्ड पे मेरी डाइट पूरी चार्ट बनी हुई है, और थेरेपीज भी लिखे हुए हैं मुझे क्या क्या खाना है. हाय, तो मैं पतंजलि वेलनेस के सामने बैठी हूँ. देखो, मैं आपको बता दूँ कि कुछ कुछ चीज़ें तो यहाँ बहुत ही फालतू लेना पड़ रहा है, लाइक तौलिया, तो ग्लास बॉटल, ये सब मैं घर से लेके आई थी. बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके यहाँ पे आई हूँ, और मुझे सब कुछ पहली बार मुझे शहर कुछ खरीदना पड़ रहा है, तो ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है. और आगे देखती हूँ इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बात करूँ, बताती हूँ आपको. सो गाइस, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने के बाद चिल मारते हुए मैं फिर अपने रूम के लिए निकल चुकी, जो कि मुझे मिला था 4 ब्लॉक. मेक श्योर गाइस, आपको सारा काम उधर करके आना है, तब जाके आप अपने रूम पे लगेज रखना, फिर ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपीज के लिए निकलना. बीच में रूम में आने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे रूम पे आने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे. रूल रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया रिसेप्शन काउंटर आपको डायरेक्ट सामने मिल जाएगा, एंड आपको रूम की मिलेगी. रूम की मिली मुझे. मेरे साथ ये क्लीनर बॉय आया, और उन्होंने मुझे बताया कि रूम में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, और अगर टूटता है या गायब होता है तो यू हैव टू पे फॉर दिस. और उन्होंने मुझसे साइन ली. इन सब के होने के बाद मैंने फटाफट सामान रखा. फिर मैं अपने किट के साथ और अपने कार्ड के साथ निकल पड़ी लंच के लिए. मेक श्योर गाइज, आपको जहां भी आप पतंजलि वेलनेस सेंटर में घूमते हो, आपको अपना कार्ड और अपना किट लेकर घूमना है, सो डैट पीपल कैन नो कि आपको अभी कहाँ जाना है और क्या करना है. सब कुछ उस कार्ड में मेंशन होता है. तो मैं पहुंच गई हूँ लंच के लिए कैंटीन में, और ये कार्ड मुझे दिखाने के बाद वो मुझे लंच देते हैं. लंच में जो भी वहां पे लिखा रहेगा, जो भी डॉक्टर डाइट प्लान करते हैं, वो मुझे ये लोग देंगे. एंड इसके बाद यहाँ पे रूल काफी अच्छे से फॉलो किए जा रहे थे. नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट था, हर कुछ बहुत हाइजीनिक था.
और आप देख सकते हो कि मुझे लंच में क्या मिला है। चूंकि मेरा पहला दिन था तो मुझे कुछ इस तरह का डाइट मिला था, खिचड़ी है। वैसे तो चावल और गेहूं के आटे का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, हर चीज देसी घी और सेंधे नमक में बनी होती है। तो सूप और कुछ सब्जी थी। फिर मैं फटाफट लंच करने के बाद थेरेपीज के लिए निकल चुकी थी, जो कि 1:30 बजे से 5:30 बजे तक थेरेपीज होती है। तो ये फीमेल थेरेपी सेंटर है और यहाँ पे मुझे एक लेप दिया गया फेस पे लगाने के लिए, तो कुछ इस तरह से मैं दिख रही हूँ। सो गुड, ओके फाइन। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से कटा है एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। सो तब तक के लिए बाय बाय। कल का दूसरा दिन मैं आप पूरी वीडियो अपलोड करूंगी कि मैंने क्या क्या किया और यहाँ क्या क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कर देना।